हे गाइज, वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूएन एक्टिवेट के बारे में। सो दोस्तों, कई बार हम जो है अपने यूएन के पासवर्ड को फॉरगेट करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें बताता है यूएन नंबर नॉट एक्टिवेटेड। सो इन केसेस में हमें अपने यूएन नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट करना होता है। देन जो है हमें एक्टिवेट के बाद एक नया पासवर्ड मिलता है, और उस पासवर्ड की मदद से एक नया पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं, तो आप यूएन रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, यानी कि एक्टिवेट करने के जो भी कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, और साथ ही जो है एक नया पासवर्ड क्रिएट करना भी यहाँ पे सिखाऊंगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कोई भी एक ब्राउजर पे आना है। सो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे गूगल क्रोम ओपन कर रखें। यहाँ पे आने के बाद इनके सर्च बार में आपको सर्च करना होगा EPFO। सो यहाँ पे चलिए हम सर्च करते हैं EPFO। सो EPFO सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कई सारे वेबसाइट दिखेंगे। सबसे पहला नंबर का ये वेबसाइट है, इस पे आ जाना है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है कुछ इस तरीके का जो है आपको इंटरफेस दिखेगा, जो कि हमारा ऑफिशियल साइट है। EPFO रिलेटेड सारे काम हम यहीं से करते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आएंगे, कई सारे ऑप्शन है। इस पर आपको KYC अपडेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। एक न्यू टैब में जो है आपको मेंबर होम करके ऐसा कुछ जो है टैब ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक्टिवेट यूएन दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले आप अपना यूएन नंबर डालेंगे। अगर आपके पास यूएन नंबर है तो यूएन नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको यूएन नंबर नहीं मिला है तो आप अपना मेंबर आईडी, जो कि कंपनी द्वारा प्रोवाइड करवाया जाते हैं, तो ये दोनों में से आप कोई भी एक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यूएन नंबर की बात करें कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये आपको सैलरी स्लिप पर भी मिल जाएगा। और अगर आप यूएन में रजिस्टर्ड है, इनके साइट पर रजिस्टर्ड है, और अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलता है, तो आप जो है फाइंड कर सकते हैं अपने यूएन नंबर को। इस पे भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अपना यूएन नंबर फिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। सो यहाँ पे इस वाले में आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। देन जो है नाम आप फिल करेंगे। नाम जो है एक्यूरेट होना चाहिए स्पेलिंग के साथ, क्योंकि कई बार हम गलत नाम या डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, तो हमें जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताता है, कुछ मैसेज आता है, जिस कारण से जो है आपको एक्टिवेट नहीं होगा आपका यूएन नंबर। सो यहाँ पे आधार कार्ड जो है नंबर वो सही फिल कीजिएगा। देन नाम फिल कीजिएगा। देन जो है यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम मोबाइल नंबर कौन सा फिल करें, क्योंकि कई सारे लोग जो है आधार कार्ड में कुछ अलग मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके रखते हैं, और अपने यूएन में यानी जो कंपनी में नंबर देते हैं वो अलग होता है। तो इन केसेस में उनको डाउट होता है कि हम कौन सा मोबाइल नंबर दें, तो इसमें जो है आपको अपने आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर देना है। मतलब कि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन जो है आपको उसी नंबर पे होगा। सो PF के अंदर हम कोई भी काम करते हैं, तो इनके अंदर जो मोबाइल नंबर यूज होता है वो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर हम यूज करते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिल करना है। सो यहाँ पे हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया। ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करके बॉक्स को टिकआउट करके गेट ऑथराइजेशन पिन, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा अगर इंतजार करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया जो कि आपके आधार कार्ड से रिलेटेड है, उस पे जो है एक OTP आ जाएगा, और यहाँ पे आपके वो सारे इन्फॉर्मेशन होंगे। यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो इंटर OTP के अंदर आपको अपना OTP फिल करना है। ये जो OTP है ये आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे जो है गया होगा, तो वो OTP आप यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ से वैलिडेट OTP एंड एक्टिवेट UN पे आप क्लिक करेंगे। सो चलिए यहाँ पे हम OTP फिल करते हैं और वैलिडेट OTP एंड एक्टिवेट UN पे क्लिक करते हैं। सो दोस्तों, मेरा OTP आ चुका है, इसको हम फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, योर UN हैज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। सो यहाँ पे हमारे पास जो है UN एक्टिवेट हो चुका है, और UN का जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर है उस पे गया होगा। जो पासवर्ड होता है देखिए कुछ इस तरीके का पासवर्ड आपको यहाँ पे मैसेज आता है। सबसे पहले आपका यूएन नंबर होगा ये, और एक्टिवेट सक्सेसफुली, और पासवर्ड यहाँ पे देखिए मेरे केस में कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा पासवर्ड आता है। तो ये पासवर्ड जो है हमें याद नहीं रहेगा,
सो हम इस पासवर्ड को जो है चेंज करेंगे। इनसे आगे के स्टेप को देखते हैं कैसे इन पासवर्ड को चेंज करेंगे। सो यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं होम पे क्लिक। यहाँ पे हमें होम का ऑप्शन मिलता है, अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हम होम पे क्लिक कर लेते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद देखिए यही मेंबर होम का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे या अदरवाइज जो है आप अपना यूएन नंबर डाल के यहाँ से पासवर्ड जो अभी आया है वो पासवर्ड एक बार फिल करके और ये जो कैप्चा दिख रहा है इस पर क्लिक करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। देन जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑटोमेटिक आ जाता है अपना पासवर्ड चेंज करने का। फिलहाल हम जो है ये वाले इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बना रखा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है यहाँ पे अपना यूएन नंबर और जो हमें पासवर्ड मिला है मैसेज के थ्रू जो कि ये है मेरा, तो ये वाला हम फिल करेंगे और यहाँ से जो है कैप्चा फिल करके साइन इन जो ऑप्शन हमें दिख रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए काइंडली अपडेट योर पासवर्ड इस तरीके का एक मैसेज और एक पेज जो है यहाँ पे आ जाता है। पहले के जो हमारे पास यूएन नंबर थे उनको एक्टिवेट करने के बाद साइन इन करते तो हमें ये ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब जो है हमें ये मैसेज आने लगता है। इसमें हम जो है अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जब फर्स्ट टाइम हम लॉगिन करते हैं एक्टिवेट करने के बाद। सबसे पहले यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आप अपना ओल्ड पासवर्ड फिल कीजिए। ओल्ड पासवर्ड में आप जो मैसेज आया है वही एक बार और सेम पासवर्ड आप जो है यहाँ पे फिल करेंगे। न्यू पासवर्ड में जो है आप अपना नया पासवर्ड फिल करेंगे और देन जो है कन्फर्म पासवर्ड यानी कि जो नया पासवर्ड आपने फिल करा है ऊपर सेम जो है नीचे डालेंगे। यहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरिया मिलता है पासवर्ड को फिल करने के लिए। पासवर्ड का लेंथ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए जैसे कि @#, तो इस तरीके का जो है आपको बनाना है। बेसिकली आप अपने नाम के साथ @123 या अपने नाम के साथ @mobile का कुछ अंक जो है यूज कीजिए तो आपका पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली ले लेगा। सो हम ये तीनों इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं और यहाँ से जो है अपडेट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और हम इसके साइट पे जो है लॉगिन हो जाते हैं। सो चलिए इन इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो है हम इन्फॉर्मेशन फिल कर लिए, यहाँ से जो है हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, ऊपर ओके का मैसेज आएगा, उसे आप ओके कर दीजिए। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे वेट करते हैं यहाँ पे लोडिंग होगा, उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। क्लिक हियर टू लॉगिन ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब अपना जो है यूएन नंबर यहाँ पे फिल कीजिए, जो पासवर्ड अभी आपने जनरेट करा है वो यहाँ पे फिल कीजिए और कैप्चा डाल के साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इसके साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से जो है आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप जो भी PF के काम होते हैं, पैसे निकालने, KYC करना, ट्रांसफर करना, ये सारे काम जो है कर सकते हैं। इन सारे पे जो है हमने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।